वेलकम बैक गाइस। हम सब जानते हैं भाई पोकेमोन की जो इंस्पिरेशन रहती है वो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग कुछ ना कुछ क्रिएचर से ली जाती है। वैसे ही भाई काफ़ी सारे पोकेमोन डायनासोर पे भी बेस्ड होते हैं। काफ़ी सारे पोकेमोन का डिज़ाइन डायनासोर को देख के बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग हर एक रीजन से एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट डायनासोर पोकेमोन को देखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तुम लोग को डायनासोर पोकेमोन दोनों के बारे में जानने मिलेगा। तो बस एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैंटो रीजन के साथ में। कैंटो के अंदर दो डायनासोर पोकेमोन है। सबसे पहले यहाँ पे आता है एरोडैक्टाइल। अब ये एक फॉसिल पोकेमोन भी, और सबको पता होगा फॉसिल पोकेमोन हमेशा ऐसे किसी क्रिएचर पर ही बेस्ड होता है जो कि बहुत साल पहले अर्थ पर रहा करते थे। तो यहाँ पे भाई ये बेस्ड है टेरोडैक्टाइल पे। सब लोगों ने इसको देखा होगा भाई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डायनासोर है। बट बता दूं भाई, एक्चुअली यार ये डायनासोर ही नहीं है। मतलब तुम मान सकते हो ये काफ़ी क्लोज है उससे, लेकिन एग्जैक्टली ये एक डायनासोर नहीं है। लेकिन फिर भी यार हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हाँ, एरोडैक्टाइल इसी पे बेस्ड है और एरोडैक्टाइल की पावर के बारे में सब लोग अच्छे से जानते होंगे कितना मस्त पोकेमोन है ये। इसके बाद दूसरा डायनासोर पोकेमोन रहेगा यहाँ पे लैप्रेस। लैप्रेस का भाई तुम डिज़ाइन देख के समझ सकते हो ये एक डायनासोर पे बेस्ड है, और वो डायनासोर है प्लीशियोसॉरस। सब लोग को इस डायनासोर के बारे में भी पता होगा, और भाई लैप्रेस की पावर के बारे में भी सब जानते हैं। लैप्रेस इसी पे बेस्ड है, और भाई लैप्रेस नेचर में देखा जाए उतने अग्रेसिव नहीं होते बिल्कुल प्लीशियोसॉरस की तरह। लेकिन हाँ, वक्त आने पर भाई ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लैप्रेस की पावर हम जानते हैं कैसे खतरनाक होती है। तो यहाँ पे दोनों ही काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट में मेरे ख्याल से भाई एरोडैक्टाइल ही रहेगा, और वीकेस्ट की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली लैप्रेस। नेक्स्ट आता है जोटो रीजन। यहाँ पे सबसे पहला डायनासोर पोकेमोन है लुगिया। लुगिया यार एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि साइकिक और फ्लाइंग टाइप का है। और अगर तुमको इसका डिजाइन देख के समझ में नहीं आया तो बता दो भाई, हाँ यार लुगिया भी प्लीशियोसॉरस पे बेस्ड है। तुम देख सकते हो इसका डिजाइन भी काफी सिमिलर है, और ये एक्चुअली भाई इसका डिजाइन इंस्पिरेशन प्लीशियोसॉरस से लिया गया है। लुगिया की पावर का भी सबको अंदाजा होगा, ऊपर से लेजेंडरी है तो समझ सकते हो भाई किस लेवल की पावर इसके पास है। नेक्स्ट आती है मेगेनियम। ये बेस्ड है सॉरापोडा डायनासोर पे। अब यार ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे साइज में, तुम देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, और मेगेनियम को भाई इन्हीं पे बेस्ड करके बनाया गया है। हालांकि मेगेनियम को एक्जैक्टली उनकी तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया गया, साइज़ तो भाई ठीक ठाक ही है, लेकिन हाँ डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही रखा गया, और इसकी गर्दन भी काफ़ी लंबी है देख सकते हो। और मेगेनियम की पावर का भी बारे में सबको पता है भाई कितनी ज़्यादा पावरफुल है मेगेनियम भाई, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तीसरा आता है टायरेनेटर पोकेमोन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन है। अब यार अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो एक्चुअली भाई टायरेनेटर का डिज़ाइन इंस्पिरेशन दो चीज़ों से लिया गया है। एक है यहाँ पे गॉडज़िला, जिसके बारे में सब जानते होंगे, तो उससे भी डिज़ाइन इंस्पिरेशन लिया गया है। उसके अलावा एक डिज़ाइन इंस्पिरेशन लिया गया है इसका टायरानोसॉरस रेक्स से। इस डायनासोर के बारे में सबको पता होगा, इसे टी रेक्स भी बोला जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डायनासोर है। तो हाँ भाई, इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन इन दोनों से मिक्स करके बनाया गया है, यानी कि भाई इसको गॉडज़िला और टी रेक्स का मिक्सचर कह सकते हो तुम। तो ये भी एक डायनासोर पोकेमोन हुआ इस हिसाब से। अब पावर वाइज तीनों ही बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, लेकिन यहाँ पे लुगिया बिल्कुल क्लियर विनर है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायनासोर पोकेमोन वही है जोटो का। और वीकेस्ट में आते हैं यहाँ पे मेगेनियम भाई। टायरेनेटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे मेगेनियम को ही वीकेस्ट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है होएन रीजन। होएन के अंदर भाई यहाँ पे आता है ग्राउडॉन। ग्राउडॉन का डिज़ाइन भी भाई मिक्सचर है तुम कह सकते हो। तो यहाँ पे एक भाई इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन डायनासोर से भी लिया गया, एंकलोसॉरस से इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन लिया गया है। काफ़ी हद तक तुम देख सकते हो काफ़ी सिमिलर है। और ग्राउडॉन की पावर तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा पावरफुल ये पोकेमोन है, इसके मूव्स इतने ज़्यादा बढ़िया बढ़िया है कि भाई ऐसे ही किसी को ख़त्म कर देगा, इतना पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट आता है सेप्टाइल। अब यार सेप्टाइल का डिज़ाइन इंस्पिरेशन भी एक डायनासोर से लिया गया, और वो डायनासोर है वेलोसिराप्टर। ये डायनासोर भी बिल्कुल सेप्टाइल की तरह काफ़ी फास्ट होते थे, और भाई देख सकते हो डिज़ाइन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। और यहाँ पे हम सेप्टाइल की पावर भी जानते हैं, सेप्टाइल एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और पावरफुल सा पोकेमोन है जिसके पास एक से एक मूव्स होते हैं। लेकिन हाँ, अगर कंपेयर करना बने तो भाई यहाँ पे ऑब्वियसली ग्राउडॉन के सामने कोई चांस ही नहीं है। और भाई अपने प्राइमल फॉर्म में वो आ गया तो भाई मतलब मार ही डालेगा सेप्टाइल को, कुछ भी बोलो अब, ये तो है भाई फैक्ट बिल्कुल। तो यहाँ पे सेप्टाइल कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, वो हार जाएगा। सेप्टाइल वीकेस्ट है और ग्राउडॉन स्ट्रॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट आता है सिनोरिजन। सिनोरिजन में एक्चुअली जो फॉसिल पोकेमोन है ना, वही दोनों डायनासोर पोकेमोन भी है। यहाँ पे पहले आता है रैम्पार्डोस, जो कि हम जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये एक्चुअली भाई एक डायनासोर पे बेस्ड है जिसका नाम है पेचिसिफलोरस। देखो इसमें मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो इतना ध्यान मत दो, बस तुम यहाँ पे इमेज देख सकते हो भाई, इसी से लिया गया है भाई डिज़ाइन इंस्पिरेशन रैम्पार्डोस पोकेमोन का। ये भाई डायनासोर भी काफ़ी खतरनाक था, और यहाँ पे अपना रैम्पार्डोस भी हम जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी अटैकिंग पावर तो भाई नेक्स्ट लेवल है।
इसके बाद यहाँ पे आता है बैस्टियोडॉन, जिसका डिजाइन भी काफी तगड़ा है। और अगर तुम इसको देख के नहीं समझे तो बता दो, ये बेस्ड है ट्राइसेराटॉप्स पे। इस डायनासोर को तुम लोगों ने शायद देखा होगा कहीं पे, कुछ याद आ रहा होगा भाई, इसको देख के बस मेरे को डायनासोर किंग याद आ जाता है। शायद तुम लोगों ने भी भाई, सब लोगों ने शो देखा ही होगा। तो हाँ, इसमें भाई ट्राइसेराटॉप्स भी हमको दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारी डायनासोर है, ये भी काफी खतरनाक है। और यहाँ पे अपना बैस्टियोडॉन भाई इसी पे बेस्ड है, और बैस्टियोडॉन की पावर भी हम लोग जानते हैं, इसके पास आयरन हेड, और इसके अलावा हैवी स्लैम भी इसके पास काफ़ी तगड़ा मूव है। अब यार यहाँ पे तो बहुत पावरफुल है बैस्टियोडॉन, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पे अब एक तीसरा पोकेमॉन भी है डायनासोर पोकेमॉन, वो है डियालगा। लेजेंडरी पोकेमॉन डियालगा भी एक डायनासोर पे बेस्ड है, वो डायनासोर है एम्फिसियलाइज। अब यार यहाँ पर तुम लोग इसकी इमेज देख सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया डायनासोर है, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। और डियालगा की पावर तो भाई सब लोग जानते हैं, कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना ज़्यादा ही पावरफुल है। तो यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं मुझे बताने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है सीधा सीधा डियालगा, और वीकेस्ट में आता है यहाँ पे बैस्टियोडॉन। नेक्स्ट आता है यूनोवा। यहाँ पे भी जो दो फॉसिल पोकेमोन है, यही दोनों डायनासोर पे बेस्ड है। सबसे पहले आता है आर्कियोप्स, जो कि भाई आर्कियोपेट्रिक्स नाम के एक डायनासोर पे बेस्ड है, और भाई हम जानते हैं ये कितना पावरफुल है, आर्कियोप्स काफ़ी बढ़िया है। और दूसरा आता है कैराकोस्टर, जो कि कार्बोनिमस नाम के काफ़ी बड़े टर्टल डायनासोर पे बेस्ड है, और भाई ये भी काफ़ी साल पहले रहा करते थे। अब यहाँ पे भाई दोनों पोकेमॉन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट बताऊँ तो आई गेस कैराकोस्टा यहाँ पे बेटर रहेगा और आर्कियोप्स वीकेस्ट। अब पहले ही बता दूँ यहाँ पे, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हो सकता है तुम्हें अलग भी लगता हो। नेक्स्ट आता है कालोस रीजन। यहाँ पे सबसे पहले आता है भाई टायरांट्रम पोकेमॉन। इसके डिजाइन को देख के सब समझ गए होंगे ये टीरेक्स पे बेस्ड है, जो कि भाई इतना ज्यादा पावरफुल डायनासोर था। बिल्कुल उसी की तरह भाई यहाँ पे टायरांट्रम भी एक बहुत ज्यादा तगड़ा पोकेमॉन है, बहुत पावरफुल है। यहाँ पे दूसरा है ऑरोरस पोकेमॉन। ऑरोरस पोकेमॉन बेस्ड है अमार्गोसॉरस नाम के डायनासोर पे, और भाई ये भी देख सकते हो काफ़ी सही है। और यहाँ पे भाई अपना ऑरोरस पोकेमॉन भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी क्लियर है भाई। यहाँ पे जो टायरांट्रम है ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वीकेस्ट में आती है सीधा सीधा ऑरोरस। वेल, ये वीडियो बस कालोस तक ही रहेगी, क्योंकि भाई यहीं तक बस डायनासोर पोकेमॉन थे, इसके बाद हमको कोई डायनासोर पोकेमॉन देखने मिला नहीं है, या फिर अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो तुम कमेंट में मेरे को याद दिला सकते हो। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।